हेलो गाइस, मेरा नाम है गौतम चौहान। आप लोग देख रहे हैं फैंटम 69 गेमिंग। इस वीडियो का टॉपिक है बेस्ट कस्टम एचयूडी फॉर वन टफ हेडशॉट। गाइस, अगर आपको हेडशॉट मारना तो वीडियो को एंड तक देखना। और हाँ, वीडियो के एंड में मैं आपको कस्टम एचयूडी का कड़वा सच बताने वाला हूँ, तो इसके लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दें, जिससे कि मेरा वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। चलिए शुरू करते हैं गाइस। अगर आपको राइट स्टार या किसी भी पीसी प्लेयर के जैसा हेडशॉट मारना, तो उसके लिए सबसे पहले आपको थ्री फिंगर पर शिफ्ट होना होगा। चिंता मत करिए, मैं आपको बताऊंगा बेस्ट थ्री फिंगर कस्टम एचयूडी, जिसको आप बहुत ही आसानी से सीख लेंगे और बहुत जल्दी। सबसे पहले सेंसिटिव पैथ है। सेंसिटिव में आपको जनरल का 100 रखना है, रेड डॉट का भी 100, 2x का भी 100, 4x का भी 100। ऑन ऑफ, अगर अभी ऑफ ऑन चलाना है, अभी स्टार्ट किए तो उसका आप 50% रखे, ज़्यादा बेहतर होगा। और फिर लोग का 0 रखें, बिल्कुल 0, क्योंकि इसकी रोटेट करने में आसान होगा। अब आते हैं ऑटो पिकअप। ऑटो पिकअप में आपको ऑटो पिकअप स्पीड जो है उसको फास्ट करके रखना है। इसमें सिर्फ आपको एक चीज़ ऑफ करके रखना है, वो है स्पेशल इक्विपमेंट। उसके बाद आना है आपको ग्राफिक पे। ग्राफिक में अगर आपका मोबाइल 2GB से 4GB रैम है, तो आपको स्मूथ पे ही खेलना है, ना कि अल्ट्रा। उसके बाद साउंड, साउंड में मैं म्यूजिक को हमेशा 0 करके रखता हूँ। अब आते हैं कस्टम एचडी पे। गाइस, मैंने आपको बोला था कि लेफ़्ट फायर बटन ऑन करके रखना है, ये लेफ़्ट फायर बटन, और इसको आपको लेफ़्ट साइड में ही रखना है और ऊपर साइड ही रखें, टच करने में आराम रहता है। उसके बाद आते हैं गन। गन को आप चाहे तो फुल साइज रख सकते हैं, लेकिन इसका ट्रांसपेरेंसी जो है आप 30-40% ही रखें, जिससे कि बंदा उसके उस साइड पर दिखे। उसके बाद आते हैं क्यूप वेपन स्विच, यही क्यूप वेपन स्विच, जिससे कि आप गन को तेज़ी से स्विच कर सकते हैं। और यही है रामबाण, जो कि हेडशॉट मारने का सबसे बेहतरीन इलाज है। अगर आपको हेडशॉट मारना तो इसका यूज करना ही होगा। वीडियो में जो आपको उंगली दिख रहा है, उसी उंगली से टच करना, ना कि थंब से। इससे टच करने का दो फायदा है, आपका ऑटो रोटेट होने लगेगा। गाइस, आप तो रोटेशन ट्रैक सुने ही होंगे। अगर आप थंब की जगह इस उंगली का प्रयोग करेंगे तो रोटेशन बहुत आसानी से और आराम से होगा। और थंब से आप रनिंग बटन को प्रेस कर सकते हैं, जिससे कि आप वन टैप मारते ही तेज़ी से दौड़ जाएंगे, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। गोली मारते ही वेपन को स्विच करके तेज़ी से दौड़ गया। ऐसा मैंने वेपन स्विच और रनिंग बटन को एक साथ प्रेस करके किया। वेपन स्विच बटन को कभी भी आप राइट साइड ना रखें। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप इसको राइट साइड रखेंगे तो राइट थंब से ही स्विच करेंगे। अगर आप राइट थंब से स्विच करेंगे तो आपका ड्रैग अच्छे से नहीं होगा। अगर ड्रैग अच्छे से नहीं होगा तो हेडशॉट नहीं लगेगा, जिससे आप परेशान हो जाएंगे और रोटेशन ड्रैग भी नहीं हो पाएगा। और हाँ गाइस, गोली मारने वाला जो बटन, उसको आप 54 या 62 रख सकते हैं। ये है मेरा कस्टम एचडी, आप चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। गाइस, आपको शुरू शुरू में बहुत दिक्कत होगा इस कस्टम एचडी, लेकिन आपको एक हफ्ते बस लगेगा इसको सीखने के बाद हेडशॉट लगेगा। आपको खुद बिलीव नहीं होगा कि मैंने ये हेडशॉट मारा। गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे मोटिवेट मिलेगा और मैं आगे ऐसी वीडियो और बना सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टाटा। खत्म।